कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग द चहन फैमिली में आप सबका स्वागत है। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 12:30 बजे से, दिन के 12:30 बजे से। अभी मैं बना रही हूँ लंच और इस प्रेशर कुकर में रखे हैं मैंने चावल और इसमें रखी है मैंने अरहर की दाल। तो मैंने दोनों गैस फ्लेम तो बंद कर दिए हैं क्योंकि चावल तो बन गए हैं लेकिन दाल उबल गई है, इसमें छौंक लगाना बाकी है। तो बस अब थोड़ी देर में छौंक लगाती हूँ। और बाहर के मौसम की बात की जाए तो आज बहुत गर्मी है, ये देखिए काफ़ी धूप आ रखी है। तो कपड़े वगैरह हमने सुखाने के लिए डाल रखे थे, आधे कपड़े तो हमने निकाल लिए हैं और जो अभी सूखे नहीं हैं वो टंगे हुए हैं। तो बस मैं लंच की तैयारी कर रही थी अभी। और आज पितृ अमावस्या भी है, तो अमावस्या के दिन ना ये मावस का सामान निकालते हैं जो कि शनि दान लेने के लिए आते हैं ना, उन्हें देते हैं। तो मम्मी ने ये सामान निकाल रखा था और अब बस मम्मी उन्हीं को ये सब दान कर रही है, जिसमें आलू, आटा, चावल, मिर्च, नमक और शनिदेव की मूर्ति पे तेल चढ़ा रही है मम्मी। तो ये सब है। बज गए हैं 10:30 और मैं आज भी तैयार हो गई हूँ रामलीला में जाने के लिए। वैसे सब चले गए हैं, मम्मी, पापा, भाई सब चले गए हैं रामलीला में। मैं ना ज़रा वीडियो एडिट कर रही थी अपनी कल वाली ताड़का वध वाली, क्योंकि वो वीडियो एडिट नहीं हुई तो मैं फिर एडिट नहीं करती तो अपलोड कैसे करती है, और फिर अपलोड नहीं होती ना तो फ़ोन में स्पेस नहीं होता क्योंकि अपलोड करके फिर मैं सारी वीडियो डिलीट कर देती ना, तब जाके अगली वीडियो बनाने के लिए स्पेस होता है फ़ोन में। और आज रामलीला में सीता स्वयंवर, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी सीता स्वयंवर की वीडियो डाल देती हूँ और देखूंगी अगर वहाँ नेट अच्छा चलेगा तो मैं लाइव भी आने की कोशिश करूँगी। तो क्योंकि ये होता है ना कि लाइव में ना स्पेस नहीं भरता फ़ोन का, तो क्योंकि वो लाइव का यही होता है कि वो सीधा प्रसारण हो रहा होता है, तो इसलिए ना फ़ोन का स्पेस नहीं भरता और बस नेट चाहिए होता है अच्छा। अगर वहाँ नेट चल रहा होगा तो मैं लाइव आ जाऊँगी, और नहीं तो फिर थोड़ी थोड़ी वीडियो बना के वही अपलोड कर दूँगी, बाकी देखते हैं। और अभी मैं भाई को फ़ोन करती हूँ कि मुझे लेना आ जाए क्योंकि यहाँ से थोड़ा अंधेरा होता है ना हमारे मोहल्ले में, गली में। तो फिर मैंने कहा चलो फ़ोन कर देती हूँ उसको, अगर वो वहाँ भी, क्योंकि वहाँ तो रामलीला में इतने ढोलक बाजे म्यूजिक वगैरह चल रहा होता है तो पानी उसकी फ़ोन के बाद जाएगी नहीं जाएगी, और वो मुझे लेने आ जाएगा। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको आज सीता स्वयंवर और आज चलते हैं। अभी 10:30 हो गए हैं तो अभी तो मतलब एक दो सीन तो हो गई है। मैं घर बैठे बैठे सुन रही थी क्योंकि हमारे मतलब ज़्यादा दूर नहीं है ना, यहाँ से पास नहीं है तो घर तक पूरी आवाज़ आ जाती है कि कौन सी सीन चल रही है। तो अभी मतलब सीता माता की एंट्री नहीं हुई है, तो चलिए चलते हैं फ्लावर से और तब आपको वहीं की वीडियो दिखाते हैं। जैसे ही मैं रामलीला मैदान में पहुँची तो वहाँ चल रहा था डांसर का डांस, तो चलिए पहले आपको ये डांस दिखाते हैं और उसके बाद दिखाते हैं रामलीला के थोड़े से दृश्य।
तो अब डांस के बाद यहाँ पर हो रही है सीता माता की एंट्री धनुष के साथ, जो शिव धनुष श्री राम जी को तोड़ना है। और सीता स्वयंवर मारने के लिए राजा महाराजा भी आ रहे हैं छोटे छोटे, और कुछ बाइक में भी आ रहे हैं, अभी दिखाते हैं आपको। और थोड़ा इनका हंसी मजाक चलता है ना सीता स्वयंवर में, तो वो दिखाते हैं। तो चलिए देखिए आगे की वीडियो। और थोड़ी हंसी मजाक के साथ, और बाकी जब सारे राजा महाराजा धनुष तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनसे शिव धनुष उठाया ही नहीं जाता। तो फाइनली अब बारी आ गई है श्री राम जी की, जो अब शिव धनुष को उठाने के लिए जा रहे हैं। सीता माता जी राम जी को वरमाला पहनाएंगी, तो चलिए आपको दिखाते हैं ये सीन भी। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।
और फाइनली सीता स्वयंवर हो गया है। और जैसे ही सीता स्वयंवर होता है तो उसके बाद सारी पब्लिक उठ के चले जाती है। हालांकि उसके बाद भी एक सीन होती है परशुराम जी की, देखिए परशुराम जी की एंट्री हो गई है लेकिन कोई रुकता ही नहीं है, वरमाला होती है, वैसे ही सारी जनता उठ के चली जाती है। तो देखिए फिलहाल हम बस इतने ही लोग रह गए हैं यहाँ और रामलीला मैदान में, बाकी सब लोग चले गए। तो फिर हमने भी उसके बाद पूरी रामलीला देखी, परशुराम जी की सीन भी देखी और उसके बाद जब रामलीला समाप्त हो गई पूरी, उसके बाद चल दिए हम अपने घर की ओर। तो चलिए आपसे सीधे मिलते हैं अपने घर में। तो अभी हम आ गए हैं अपने घर में और मैं समूह किचन में, और अभी रात के बज रहे हैं 2। तो आज की रामलीला 2 बजे समाप्त हुई, तो 2 बजे फिर हम घर आए और घर आते ही सब ने करी चाय की फरमाइश, वो भी ब्लैक टी, मतलब कि लाल पानी, लाल चाय पीने की, काली चाय पीने की, जो भी आप बोलते हैं, तो वो चाय पीने की फरमाइश करी। तो मैं किचन में वही बनाने के लिए आ गई। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। मैं बनाती हूँ चाय और ब्लॉग करते हैं एंड। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो उसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं जल्दी अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो को खूब शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।